एपिसोड के शुरुआत में लॉन्ग यूयान और नियनी को दिखाया जाता है जो कि फाइट के लिए तैयार होता है और लॉन्ग यूयान एक सडन अटैक कर देती है। फिर नियनी अटैक डॉच करते हुए बोलता है कि पैर की अटैक रेंज बहुत दूर है लेकिन इनमें कई फॉल भी है और स्पीड एनफ लॉक नहीं है और नियनी भी अपने आप से संभाल कर एक पंच लॉन्ग यूयान से लैंग पे मारता है और दूसरा पंच स्टमक पे मारता है और बोलता है कि वो सभी फ्लॉस है। लॉन्ग यूयान सोचती है कि नियनी की स्ट्रेंथ मुझसे बहुत अधिक है। पता चला है कि वह पहले ही अपने आदमियों को पीछे छोड़ चुका है। यह सोच के लॉन्ग यूयान अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और सोचती है कि क्या स्पीड सफिशियंट फास्ट नहीं है और नियनी लॉन्ग यूयान को देख कर बोलता है कि ट्रैक एंगल करेक्ट नहीं है, रिएक्शन बहुत स्लो है। नियनी अपना बात करके लॉन्ग यूयान को पीछे फेंक देता है। नियनी से मार खा के लॉन्ग यूयान मुस्कुराते हुए फिर से अटैक करती है। लॉन्ग यूयान को हारते देख कर सभी स्टूडेंट बोलते हैं कि आप जितना फाइट करते हैं आप उतने ही एक्साइटेड होते हैं, क्या लॉन्ग यूयान मैड है। फिर हमें दिखाया जाता है कि लॉन्ग यूयान नियनी का पंच खाकर वो फ्लोर पे गिर जाती है और वो फ्लोर पे लेटते हुए बोलती है कि अच्छा यहाँ हम फिर से जाते हैं। और नियनी अपना हैंड लॉन्ग यूयान की तरफ बढ़ाते हुए सोचता है कि मेंट में ड्रैगन के विंग्स की आवाज़ स्ट्रॉन्ग होने लगी थी, जो कहना है कि टैलेंट है, मेरी जनरेशन की कंपेयर करने के लायक नहीं है। एल्डर उज़ोने को अल्टीमेट फाइट करते देखकर सोचते हैं कि यह पावरफुल भी है, मुझे डर है कि मेकअप क्लेश इंसाइडर की मेरी समझ उनके जितना अच्छी नहीं है। ऐसा लगता है कि इस क्लास में उनसे सिखाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है और कीमत के साथ कुछ भी नहीं हुआ है। फिर लॉन्ग यूयान अटैक करते हुए नियनी से बोलती है कि ओके चलो फिर से फाइट स्टार्ट करते हैं। फिर लॉन्ग यूयान को फाइट एंजॉय करते देखकर नियनी सोचता है कि ड्रैगन यूयान को रियल में एक सबक देना है और यह पिछले लाइफ की तरह हो जाएगी, इस लाइफ में एक गुड पर्सन बनो, यह सही नहीं है। फिर हमें उसके फाइट का आउटकम नहीं दिखाया जाता है और फिर हमें क्लासरूम के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे स्टूडेंट बात करते हैं कि केवल कुछ ही दिन हुए हैं ड्रैगन और यूयान पर्सनल रूप से कैसे बदल गई है। शायद कोई बदलाव नहीं आया है लेकिन नियनी के बारे में कॉन्फिडेंस थी। आप अनएक्सपेक्टेड रूप से नियनी का कुंभ पूरी तरह से उसके ऊपर था। बुरा यू अभी पावरफुल नहीं है, उसकी एज कितनी है, मैं भी इसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा। फिर हमें लॉन्ग यूयान को दिखाया जाता है जो कि बाहर आते हुए बोलती है कि तो यह इससे बेहतर है, नियनी का नॉलेज बहुत विशाल है जो मेरे इमेजिनेशन से बहुत परे है। वैसे नियनी ने कहा कि जिंदगी वो उसका मास्टर था, इस वर्ल्ड में केवल मास्टर ही मुझे दिव्यता की यह फीलिंग्स लाएगा। ऐसा हो सकता है कि न्यूरो स्ट्रॉन्ग हो सकती है और हमें दिखाया जाता है कि लॉन्ग यूयान बहुत डर जाती है। फिर वांग उसके सामने अचानक आते हुए बोलता है कि उसका नाम बताओ और लॉन्ग यूयान वांग से चीखते हुए बोलती है कि वांग क्या मैंने तुम्हें रुकने के लिए नहीं कही थी। फिर वांग लॉन्ग यूयान से ऊंची आवाज में बोलता है कि मैंने सुना है कि तुमने नियनी को उस किड्स के साथ फिर से प्रैक्टिस करने के लिए कही थी, क्या तुम मेरे पीठ पीछे मैन को चुरा रही हो। वांग की हरकत देखकर लॉन्ग यूयान एंग्री होते हुए बोलती है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें फिर से एस्केप कर दूं, यानी मुझे हरा सकता है, मुझे कल्टिवेट करने का परमिशन दे सकता है, मैं उसकी परमिशन मानती हूँ, तुम्हारे पास कैपेसिटी है, तुम भी मेरे साथ एक दूसरे के साथ दे सकते हो। और यहीं पे हमारा एपिसोड एंड होता है और मांगा फोर्स को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।